अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फिज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू नर्सरी 4+। अब हम बढ़ते हैं रे की लिखाई की मश्क की तरफ। सबसे पहले सरगर्मी नंबर एक में हमारे पास मौजूद है रे पर पेंसिल फेरें और लिखें। रे पर पेंसिल फेरें और लिखें। और लेकिन इससे पहले कुछ हदायत उस्ताज़ा के लिए हैं, सरगर्मियां हल करने में बच्चों की रहनुमाई करें। अब हम लिखने जा रहे हैं रे को नुक्तों की मदद के साथ। पहले नुक्ते को मिलाएंगे दूसरे नुक्ते के साथ और इसको लेकर आएंगे आखिर तक। इसी तरह से दोबारा से लिखेंगे रे को पहले नुक्ते से मिलाते हुए आखिरी नुक्ते तक। अब हम लिखेंगे रे को पेंसिल की मदद से बिना नुक्तों के। और कैसे लिखेंगे? नुक्ते से शुरू करेंगे, एक सीधी लाइन लगाएंगे और एक टेढ़ी सी लाइन लगाएंगे। इस तरह से हमारा रे लिखा जाएगा। दोबारा से बताती हूँ, एक सीधी लाइन लगाएंगे और एक टेढ़ी लाइन लगाएंगे। इस तरह से हमारा रे हो जाएगा मुकम्मल। बाकी की रे की सरगर्मी किसी बड़े की रहनुमाई के साथ मुकम्मल करें। इसके बाद हमारे पास मौजूद है तस्वीर के दुरुस्त नाम पर टिक का निशान लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मौजूद है रिबन और रिक्शा। हमें क्या करना है, जो रिबन लिखा हुआ है उसके ऊपर टिक लगाना है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है टाई और रिबन। टिक किसको करेंगे हम? रिबन को, क्योंकि रिबन की तस्वीर हमारे पास मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बस और रिक्शा। हमें टिक किसको करना है? रिक्शा को करना है, क्योंकि हमारे पास रिक्शा की तस्वीर मौजूद है। आखिर में हमारे पास मौजूद है दिए गए खाके मुकम्मल करें और रंग भरें। खाके हमारे पास मौजूद हैं रिबन के और रिक्शा के। रिबन को सबसे पहले हम मुकम्मल करेंगे नुक्तों की मदद के साथ, इस तरह से किसी बड़े की रहनुमाई के साथ, और इसके बाद रिबन में रंग भरेंगे। रिबन में आप कोई सा भी रंग भर सकते हैं जो कि आपका पसंदीदा रंग हो। उसके बाद हम रिक्शे के खाके को करेंगे मुकम्मल। पहले नुक्ते से मिलाते हुए इसको आखिरी नुक्ते तक लेकर आएंगे। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इस खाके को करेंगे मुकम्मल। और इसके बाद रिक्शा में भी आप नीला, पीला, सब्स रंग, जो सा रंग आपको पसंद है, आप वो रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बच्चों, सवाल नंबर 37 पे आपको रे की सरगर्मियाँ समझ में आ गई होंगी। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।